empowerment is about taking a decision which is right. You know, it is, हम बहुत डरते हैं. You know, अभी हम कहते हैं कि हम बड़े evolve हो गए हैं, बहुत आगे आ गए हैं या दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक औरतें जो होती हैं डिसीजन लेते हुए या आगे बढ़ने से पहले डरती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम. ये मतलब 24th एडिशन आप होस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ अलग है? हर साल तो होता है बट इसमें मेजर सिग्निफिकेंस ये साल क्या रहा? आई थिंक एवरी ईयर, क्योंकि मैंने पहले के भी बहुत वीडियोज़ आई, ऑब्वियसली वी ऑल एक्टर्स, वी यू नो, वी ऑल फॉलो फिकी एंड द वे दे हैव ग्रोन ओवर द ईयर्स. और अब 24th एडिशन में जो मैं आई हूँ और मैंने होस्ट किया है अभी, इट वॉज सो इंसाइटफुल. यू नो, हम आई थिंक एज एक्टर्स या आप बोल सकते हैं हम इंडस्ट्री में अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर प्ले करते हैं. वी आर एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट ऑफ मनी टू द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री, यू नो, एंटरटेनमेंट. बिकॉज पेंडेमिक के बाद जितना बूम आया है हमारे इंडस्ट्री में, द वे द कॉन्टेंट इज बींग बॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू नो, इंडियन कॉन्टेंट इज फेमस एवरीवेयर. एंड द वे आई थिंक जब नंबर्स हम सुनते हैं ना, हम जब सेट पे शूटिंग करते हैं, घर जाते हैं शूटिंग करते हैं, ऑफकोर्स वी नो कि हाँ यार हम लोग इंडोनेशिया गए वहाँ पे किसी ने पहचान लिया, केन्या गए वहाँ किसी ने पहचान लिया, बट वी डोंट रियलाइज दैट एक्चुअली वी आर रीचिंग एंड एक्चुअली जनरेटिंग अ लॉट ऑफ मनी, यू नो. सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक्चुअली सो इट्स सो नाइस एंड इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राइड, यू नो. जितना वो नंबर्स बता रहे थे या जहाँ पर जितनी भी डिस्कशंस हुई पैनल में, या जो रानी मैम का जो एक बहुत ही अच्छा सेशन था और जिस तरह से वो बता रही थी, यू नो, हर एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली बियॉन्ड ऑल ऑफ अस एंड लाइक आई सेड आई हैव अ गर्ल क्रश ऑन हर. आई थिंक इट्स अमेजिंग, यू नो. हम अपनी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं और एक्चुअली हम अपने नेशन के ही इकोनॉमी को कितना बूस्ट करते हैं. सो वी शुड गिव आवरसेल्फ्स अ पैट ऑन द बैक. आफ्टर कोरोना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, यस, ओवर द टॉप, तो आप कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से हमें अभी नज़र आएंगे कभी इन फ्यूचर? क्योंकि आपके फैंस कनेक्टेड तो रहते हैं इंस्टाग्राम से आपसे. हाँ बिल्कुल. मेरा एक अभी आई थिंक रिलीज पे है विद अ वेरी वेरी गुड एक्टर, अनदर एक्टर दैट आई रियली रियली लुक अप टू, लाइक रानी मैम. मेरा वो रिलीज़ होने वाला है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. और बाकी दो तीन वेब शोज़ की बात हो रही है, एक्चुअली उसी के लिए मैंने अपना ये ट्रिप मुंबई में किया है, आई एम इन बैंगलोर नाउ एंड इट्स लेट्स सी, लेट्स होप दैट आई हैव समथिंग नाइस टू शेयर वेरी सून. एंड ऑल्सो वुमेंस डे, क्या कहना चाहोगे आप वुमेंस एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज अबाउट टेकिंग अ डिसीजन व्हिच इज राइट, यू नो. इट इज, हम बहुत डरते हैं, यू नो, अभी हम कहते हैं कि हम बड़े इवॉल्व हो गए हैं, बहुत आगे आ गए हैं या दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी आई थिंक औरतें जो होती हैं डिसीजन लेते हुए या आगे बढ़ने से पहले डरती हैं, चाहे वो सोसाइटी हो या ट्रोलर्स हो या जो भी हो. एंड आई थिंक एज अ वुमन एंड आई स्टैंड बाई द स्ट्रेंथ दैट आई हैव एज अ मदर, एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल, दैट इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेंथ विद इन. एंड वुमेन आर वेरी 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 पावरफुल. जस्ट स्टैंड for the right and just move ahead. Thank you so much. Thank you.